दर्पणपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इसी गांव में एक महेश नाम का युवक रहता था। महेश अपनी पत्नी के साथ आम के बगान में फल जमा कर रहा था। अरे शिवानी, आम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस साल बगान में फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस साल धन पर्याप्त होगा हमारे पास। और यदि कहीं दिक्कत आई तो आप घर बनाने का जो काम करते हैं उससे ठीक हो जाएगी। हाँ सही कहती हो। अच्छा चलो, अब मैं इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। अब शाम को घर पर भेंट होगी। जी, मैं भी तब तक घर के सारे काम निपटा देती हूँ। महेश फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। महेश जैसे ही अपनी दुकान में आकर बैठता है, वहाँ प्रधान और कुछ लोग उससे फल खरीदने आते हैं। अरे भाई महेश, लगता है कि इस बार बागान में फल बहुत बढ़िया हुए हैं, क्यों? हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और शिवानी आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। फलों की बात बहुत कर ली महेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है प्रधान जी? दरअसल बात यह है कि गांव की मिट्टी के घर काफी पुराने हो चुके हैं और हम सोच रहे थे कि अब से हमें पक्के मकान बना लेने चाहिए जो ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं भी कुछ दिनों से अपने मकान को पक्का मकान बनाने की सोच रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि गांव का हर व्यक्ति इतने पैसे कहाँ से लाएगा। हाँ, और इसी वजह से मैंने ठेकेदार से बात करने की सोची है। आज दुकान बंद करने के बाद तुम मेरे साथ ठेकेदार के यहाँ चलना। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान अपनी बात कह के वहाँ से चला जाता है और महेश प्रधान के साथ ठेकेदार के घर पर आ गया था। क्या बात है प्रधान और महेश, कैसे आना हुआ आज? वो एक जरूरी काम था ठेकेदार, तो तुमसे पूछने आ गए, और महेश को भी मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर आया हूँ। तो बताओ क्या काम है? जी ठेकेदार जी, मैं बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि लोगों के मिट्टी के घर पुराने हो गए हैं, तो अब हम सब घरों को नए सिरे से पक्के घरों में बदल दें। अच्छा तो ये बात है, लेकिन गांव में एक घर तो है नहीं, कई घर हैं, तो इतने पैसे कहाँ से लाओगे? इसी कारण तो आपके पास आए थे। हाँ हाँ, आप अभी हमारी मदद कर देते तो सारे गांव वाले आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देते। मजाक है क्या? मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाला। पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे इसके आगे। मुझे बाहर से लोग भी बुलाने होंगे और घर बनाने की चीजों के मोल भी चुकाने होंगे। ठेकेदार जी, लोग तो हमें गांव में ही मिल जाएंगे और कुछ पैसे जोड़ घटा कर दे भी देंगे। आप कृपया एक बार और सोच लीजिए और मदद कर दीजिए हमारी। बस भी करो, तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से इतनी बात बढ़ रही है। मैं नहीं करता, पैसे लाओगे तब काम होगा, वरना नहीं। अब जाओ। एक बार सोच तो लीजिए ठेकेदार जी, कोई तो मार्ग होगा। लोग त्रस्त हो जाएंगे आने वाली बारिश से, हमें उनकी कुछ तो मदद करनी होगी ना। हाँ सही कह रहे हो कि लोग त्रस्त हो जाएंगे, और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो सबसे कहो कि अपने पास से मुझे एक एक बीघा जमीन मुझे दे दे, क्या कहते हो? महेश चलो चलते हैं। मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, पर मैंने फिर भी कोशिश करने की सोची और तुम्हें भी ये सब देखना पड़ गया। पर प्रधान जी। प्रधान महेश को इशारा करता है और महेश अपने शब्दों को पीस कर पी जाता है। ठेकेदार की बात सुनकर महेश निराश होकर अपने घर लौट आता है। शिवानी उसके चेहरे पर ये निराशा देखकर उससे पूछती है, अरे जी क्या हुआ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवानी, बस ये ठेकेदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठेकेदार से गांव वालों की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने खरी खोटी सुनाकर लौटा दिया। अब तो बरसात का महीना भी आ रहा है और लोगों के घर पुराने हो चुके हैं, पता नहीं अब क्या होगा। आपका मन बहुत ही कोमल है, आप सब गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। भगवान करे कि आपको इस परिस्थिति को पार करने की शक्ति मिले।
काश मैं कुछ कर पाता अपने गांव के लिए। अब सो भी जाइए, मार्ग के बारे में कल सोचिएगा। ठीक है शिवानी, अब और कर भी क्या सकते हैं। महेश सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में महेश एक आम के पेड़ के पास आम उठाता है और उस आम को खोलकर देखता है कि उसमें एक कांच का बीज है। कांच का बीज वो जमीन में गाड़ देता है और वहाँ पर एक पेड़ उगाता है जिसमें कांच लटके थे, मानो उस पेड़ पर कांच फलों की तरह उगाए हो। सुबह हो गई और महेश उठते ही शिवानी को जगाने लगा। शिवानी उठो, शिवानी। क्या बात है जी, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है सुबह सुबह? अरे कोई आपदा नहीं, मुझे बस एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि आम की गुठलियों की जगह एक कांच का बीज है और उससे ऐसे पेड़ तैयार हो रहे हैं जिसमें कांच लटके हैं। पर ये तो बस एक सपना है जी, आप भी ना। डूबते को तिनके का सहारा जानो, कल ही हमने कोई मार्ग मांगा था, शायद ये वही हो। मैं समझती हूँ कि आप गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, पर इस तरह से सपने को सच मान लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर बस चलो मेरी संतुष्टि के लिए एक बार देख आते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आओ चलते हैं। महेश और शिवानी अपने बागान की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पेड़ पर एक चमकता हुआ कांच का आम दिखा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सपना जरूर सच होगा। हाँ जी, आप एक काम करिए, आप इस आम को तुरंत तोड़ दीजिए। महेश तुरंत एक पत्थर मारता है और वो कांच का आम नीचे गिर पड़ता है। उस आम को जैसे ही महेश खोलने की कोशिश करता है, वो आम खुल जाता है और उसमें से एक कांच का बीज बाहर निकलता है। देखो शिवानी, हम इसे बो देते हैं, कांच निकलेंगे तो हम उससे लोगों के घर बना देंगे और सारी दिक्कतें खत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे कल देखने आ जाएंगे और साथ में सरपंच जी को भी ले आएंगे। दोनों आम के बीज को बो देते हैं और उस पर पानी डालकर चले जाते हैं। वो पौधा तनिक बढ़ जाता है, पर दोनों अपनी खुशी में आगे चले जाते हैं और कल का इंतजार करते हैं। रात बीत गई और नई सुबह आई। महेश के साथ सरपंच जी भी उस बागान में आकर खड़े थे और कांच के पेड़ को देखकर बहुत चक्का रह गए थे। अरे तुमने तो कहा था कि बीज कल ही बोया है, ये तो पूरा का पूरा पेड़ है। जी प्रधान जी, अब गांव से कुछ लोगों को जोड़कर हम सबके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ सही कहते हो, अब हमें ठेकेदार के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी, आज से ही शुभारंभ कर दें? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया और अब एक हफ्ता बीत चुका था जिसमें महेश ने अपना और प्रधान का कांच का घर बना दिया था। महेश और प्रधान महेश के नए घर में बैठे थे, तभी वहाँ ठेकेदार आता है। और भाई महेश, क्या हाल चाल है? मेरे हाल चाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए ठेकेदार जी। मैं भी ठीक हूँ, बस देखने आया था कि गांव में जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो पता चल गया? हाँ भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर बना है। वैसे महेश, बोलिए। एक सुझाव लेकर आया था मैं, तुम्हारे पास जो पेड़ है कांच का, वो तुम मुझे बेच दो, बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तुम्हें गांव के घर बनाने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा ठेकेदार जी, लेकिन मैं इससे गांव वालों के घर बनाऊंगा और मुझे ये नहीं बेचना। क्या तुम ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? ठेकेदार जी क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह इस वरदान को गांव के लिए श्राप बनने नहीं दे सकता। अगर उनके पास ज्यादा पैसे आने के साधन होते या उनके पास पैसा होता तो मैं उस दिन आपसे विनती ही क्यों करता। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो महेश, चलो कांच का पेड़ बेचना नहीं चाहते तो मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, गांव वालों को अगर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्या वो आगे काम करने की चाह रखेंगे?
तुम ही समझाओ प्रधान को जैसे। चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हड़बड़ाहट में देखकर काफी चकित हूँ। तुम्हारे तो मानो प्राण ही निकल रहे हैं इस गांव को बढ़ता देखकर, और ये देखकर कि कोई इस गांव की मदद कर रहा है। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं आप। पहले तो आप हमारी मदद करने आए नहीं ठेकेदार जी, और जब हमारे पास दूसरे साधन आ गए हैं तो आप हमारी मदद करने की जगह उल्टा भड़काने आ गए हैं। तुम लोग कभी नहीं समझने वाले, जो समझ में आए वो करो। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से गुस्से से चला गया और प्रधान फिर से महेश से कहने लगा, महेश ध्यान रखना, ये ठेकेदार कुछ भी कर सकता है अपने जलन में आकर। जैसा आप कहें प्रधान जी, अब हम वैसे भी कांच के घर बनाना शुरू करेंगे और हमारा इनसे ताल्लुक कम ही रहेगा। देखते ही देखते एक महीना बीत गया, सारे कांच के घर बन चुके थे और कांच का पेड़ फायदेमंद साबित हुआ, जिस वजह से गांव के लोग आज उसके पास नारियल फोड़कर उसका पूजन करने के लिए खड़े थे। जय हो इस पेड़ की! गांव में बरसात से पहले सबके घर नए तरीके से बन गए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, इस पेड़ ने हमारी बहुत मदद की है। ये सही कह रहे हो, इस पेड़ की हम पर बहुत ही कृपा है। पर ये भी जानो कि सिर्फ वरदान से ही कुछ नहीं होता, वो वरदान किस व्यक्ति के हाथ में है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए तुम्हारा भी हम पर उपकार है महेश, आखिर तुमने अपना वरदान हम सब में बांटा जो है। तभी वहाँ ठेकेदार दो गुंडों के साथ आ गया जिसके पास कुल्हाड़ियाँ थी। क्या कहना चाहते हो प्रधान, कि अगर वो वरदान मेरे हाथ लगता तो मैं इसे श्राप बना देता? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, पर आपने अभी अभी जो खुद का परिचय दिया है वो कुछ गलत नहीं है। ये कुल्हाड़ी लेकर इन दो लफंगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बोलता है, आप कहे तो उड़ा दो ठेकेदार जी। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस यहाँ इस पेड़ को काटने आए थे, और अगर कोई बीच में ना आए तो हाथापाई नहीं होगी। जैसा आप कहें ठेकेदार जी। ठेकेदार और गुंडे जोर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगे और बाकी सब डर कर पीछे हट गए। अचानक चारों तरफ से कांच की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया। बचाओ बचाओ! अरे ये कांच की दीवारों पर हाथ पीट पीट कर क्या कर रहे हैं ठेकेदार जी? पता नहीं भैया, पर आनंद बड़ा आ रहा है। इसी तरह कांच के पेड़ ने फिर से एक बार गांव को बचा लिया और सब ठहाके लगाकर खुशी खुशी अपने कांच के घरों में रहने लगे। ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर के छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था, और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उसके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथीदारों ने ये आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चुरा कर बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था, रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में रख रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें नौकरी से तुरंत ही निकाला जाता है। ये तो हमारे दयालु होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बातें रूपा से कही। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे, वो अपने मन की मनमानी नहीं कर पाते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा, वहीं जाकर कुछ उपाय मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा, वहाँ चलकर हम कोई छोटी मोटी चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा करेंगे। बिल्लू और रूपा दोनों ही अपने उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहां ना तो उनके घर का कोई ठिकाना था ना ही किसी कारोबार का। गांव जाते ही सबसे पहले उन्होंने
अपने गांव के सबसे पुराने पवित्र मंदिर में दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपनी माँ के साथ आया करता था। तब से ये मंदिर वैसा का वैसा ही पवित्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर मंदिर के कोने में रखे एक शीशे पर पड़ी जो हल्की सी रात को चमक रही थी। रूपा वो देखो, मंदिर के उस कोने में शीशा रखा हुआ है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है और ना ही कोई जगह, हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम, उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाता है, वहाँ एक जोर सी बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है। शीशा बिल्लू के हाथ से छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रूपा हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। रूपा और बिल्लू मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप के कारण कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद छुटकारा मिला है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के निवासी थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे की नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है तो वो तुरंत ही शीशे की चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन उसमें कैद कैसे हुई आप? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हुई। चलो मैं तुम्हें जादुई शीशे की नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हम वहां से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम दोनों पति पत्नी का मन बहुत साफ है। सबसे पहले तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पे लगाओ और तुम फौरन उस शीशे की दुनिया में चले जाओगे। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने उस शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर खींचे चले गए। उन्हीं के साथ बुजुर्ग अम्मा भी चली गईं। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब कुछ शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है, यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी और कई सारे अपराध किए हैं। इसी वजह से मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ पर निकाले हैं। बिल्लू को बुजुर्ग अम्मा के शीशे के इंसाफ की बात सुनकर अपने शहर में चोरी के इल्जाम की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं शहर लेकर जा सकता हूँ? मैंने अपनी मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गंवा दी। और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ, तुम इसे अवश्य ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है?
तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम तुरंत असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई अपराधी अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी, वो तभी बाहर आएगा। हमें ये चीजें मंजूर हैं। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया दोनों अपने असल दुनिया में वापस आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर फिर से शहर में अपने बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा दोबारा मुझे कभी मत दिखाना, मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को शीशे के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस शीशे के सामने हमें क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी ही तो बात है। जैसे ही वो दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं तुरंत ही उस शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया, अब ये बाहर कैसे आएंगे, ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहां आ गए, यहां तो चारों तरफ हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। मेरा सर तो फटा जा रहा है चारों तरफ शीशा देखकर। हमें यहां से बाहर निकालो, हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ही शीशे के गांव में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी दोनों तुरंत ही असल दुनिया में वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है, हमने ही वो बर्तन चुरा कर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे के गांव की सजा हमारे लिए काफी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो बिल्लू, और तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे की दुनिया ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू ने उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखना शुरू कर दिया और बर्तन की दुकान पर फिर से काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे।